नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाली मुल्तान सुल्तान ने गुरुवार को पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के फाइनल में इतिहास रचते हुए पीएसएल 6 का खिताब अपने नाम कर लिया। टीम ने इस सीजन शानदार खेल दिखाया था और फाइनल में लगभग एक तरफा अंदाज में मैच जीत कर पीएसएल में अपना दबदबा दिखाया। मुल्तान सुल्तान ने वहाब रियाज की पेशावर जलमी को 47 रनों से हराकर पहला पीएसएल खिताब जीता। मैच में पेशावर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुल्तान के लिए सान मशूद और मोहम्मद रिजवान ने सदी हुई शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े थे। इसके बाद सीजन में शानदार बल्लेबाजी करने वाले शुएब मकसूद ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और उन्हें रायली रूसो का भी भरपूर समर्थन मिला और टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन बोर्ड पर लगा दिए। 34 साल के शुएब मकसूद ने 5 साल बाद पाकिस्तान टीम में वापसी का जश्न नाबाद 65 रनों के साथ मनाया। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका के रायली रूसो ने 21 गेंदों पर 50 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पेशावर की टीम कभी भी लक्ष्य के पास पहुंच पाएगी नहीं लगा और टीम 20 ओवर में 159 रन ही बना सकी। इमरान ताहिर ने मुल्तान के लिए 3 विकेट लिए, वहीं इमरान खान और मुजरबानी को 2-2 विकेट मिले। शुएब मकसूद को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। इस सीजन किन किन खिलाड़ियों का बल्ले और गेंद से बोलबाला रहा, इस पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने इस सीजन 11 मैचों में 69 के औसत से 554 रन बनाए, वो सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वहीं मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 12 मैचों में 45 के औसत से 500 रन बनाए, वो दूसरे स्थान पर रहे। वहीं मुल्तान के ही शुएब मकसूद इस सीजन तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, उन्होंने 47 के औसत से 428 रन बनाए। फाइनल में शानदार 65 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में भी शुएब मकसूद ने बड़ा योगदान दिया। कराची किंग्स के शर्जील खान ने 11 मैचों में 23 छक्के लगाए और इस सीजन सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। मुल्तान के शहनवाज धानी इस सीजन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, उन्होंने 11 मैचों में 15 की औसत से 20 विकेट लिए। वहीं पेशावर के अनुभवी गेंदबाज और कप्तान वहाब रियाज ने 20 के औसत से 18 विकेट लिए और दूसरे स्थान पर रहे। नंबर 3 पर शाहिन शाह अफरीदी हैं, जिन्होंने 10 मैचों में 16 विकेट हासिल किए। तो ये थे वो खिलाड़ी जो पीएसएल 2021 में गेंद और बल्ले से अपना दबदबा दिखाने में कामयाब रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।